क्वेश्चन ट्वेंटी नाइन का ए पार्ट देखिए फाइंड द पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स माइनस टू एक्स वाई इज इक्वल टू थ्री एक्स स्क्र ई की पावर एक्स स्क्र वाई जीरो इज इक्वल टू फाइव हमें इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है पहले हम इसका जनरल सोल्यूशन निकाल लेंगे और उसके अंदर गिवन एक्स वाई की वैल्यू पुट करेंगे और हमें फिर उसका पर्टिकुलर सोल्यूशन मिल जाएगा तो यहां पे द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज हमारे पास जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो है डी वाई बाई टी एक्स माइनस टू एक्स वाई इज इक्वल टू थ्री एक्स स्क्र E की पावर एक्सक्र और वाई की वैल्यू वेन एक्स जीरो वो हमें फाइव दे रखी है आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखें तो इसमें वेरिएबल सेपरेबल नहीं लग सकता होमोजीनियस ये है नहीं आपकी और ये है आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे कंपेयरिंग फर्स्ट विद स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू तो यहाँ से जो पी की वैल्यू है पी की वैल्यू हो गई माइनस का टू एक्स क्यू की वैल्यू हो गई थ्री एक्स स्क्वेयर ई की पावर एक्स स्क्वेयर नाउ सबसे पहले हम निकालेंगे आई एफ यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होता है ई e की पावर पी डी तो यहाँ पर ई e की पावर माइनस का टू एक्स यहाँ पे हो गया e की पावर माइनस एक्स स्क्र बाई टू या टू पहले से वो कैंसिल हो गया तो e की पावर माइनस एक्स स्क्र अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया इसका सोल्यूशन हमें कहाँ रखने से मिलता है सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन इज गिवन बाई वो हम कहाँ रखते हैं वो हम पुट करते हैं y इंटू आई एफ इज इक्वल टू क्यू इन टू आई एफ डी एक्स तो वाई इंटू ई की पावर माइनस एक्स स्क्र क्यों क्या है थ्री एक्स स्क्र ई की पावर एक्स स्क्र ई की पावर माइनस एक्स स्क्र डी एक्स बेस सेम तो पावर ऐड हो जाएगी यहाँ पे आ गया थ्री एक्स स्क्केयर और ई e की पावर एक्स स्क्र माइनस एक्स स्क्केयर डी एक्स यानी ये तो जीरो हो गया ई e की पावर जीरो डी एक्स x स्क्केयर का करेंगे तो x क्यूब बाई थ्री प्लस में c आ जाएगा एंड यहाँ पे आ गया y इंटू ई e की पावर माइनस एक्स स्क्र तो y इंटू ई e की पावर माइनस एक्स स्क्केयर इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस सी ये हमारे पास इसका जनरल सोल्यूशन है पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालने के लिए हम जनरल सोल्यूशन के अंदर गिवन वैल्यूज रख देते हैं x आपका जीरो है और y की वैल्यू है फाइव वाई इज़ फाइव वेन एक्स इज़ जीरो वेन एक्स इज जीरो वाई इज इक्वल टू फाइव तो यहाँ से c की वैल्यू फाइव आ गई c को यहाँ रख देंगे इसके अंदर c को रख देंगे इसके अंदर तो y इंटू ई e की पावर माइनस एक्स स्क्र एक्स क्यूब प्लस फाइव ये हमारे पास क्या है विच इज़ रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सोल्यूशन ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सोल्यूशन है जो हमें यहाँ पर मिल रहा है